हेलो मेरे दोस्त, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप जैसे सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या आप अपने फाइनल ईयर में हो, तो इस सब टाइम पे आपको अपने कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो CV है ना वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। कुछ स्किल जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो आपका CV बहुत बेहतरीन बनेगा। और ये स्किल्स आपको बिल्कुल फ्री में सिखाई जा रही है, वो भी एक प्रॉपर सर्टिफिकेट देने के साथ में, और वो भी ये TCS मीन्स टाटा की एक सब्सिडरी है, उसके द्वारा ही आपको ये सिखाई जाती है, जिसे हम कहते हैं TCS। तो TCS ही आपको ये सारी चीजें फ्री में सिखाएगी। सिखाएगी क्या क्या, जिसकी वजह से आपका CV बहुत स्ट्रांग होगा, वो आपको सिखाएगी कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको कम्युनिकेट किस तरीके से करना है दूसरे से। वो आपको सिखाएगी बिहेवियर स्किल्स, कि आपका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए एक दूसरे से, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो आपका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। साथ के साथ आपको बिजनेस एटिकेट्स पता होने चाहिए, कि बिजनेस के एटिकेट्स कौन कौन से तरीके से होना चाहिए, और आपको कुछ फंडामेंटल्स पता होना चाहिए अकाउंट्स के, कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए IT के, IT का मतलब आपको कुछ कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, आपको कुछ अकाउंट्स के फंडामेंटल पता होना चाहिए, कि किस तरीके से सैलरी बनती है, क्या क्या उसमें ऐड होता है, क्या क्या चलता है उसमें, ये सब चीजें आपको, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो डेफिनेटली आप दूसरे कैंडिडेट को अपने कंपैरिजन में बीट कर पाओगे, आपका CV दूसरे लोगों से स्ट्रांग हो पाएगा, अगर आपके पास ये पांचों स्किल्स आ जाएंगी तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पांचों की पांचों स्किल्स फ्री में सिखाई जा रही हैं आपको, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अभी से ही सीखें, अगर आप कॉलेज में आते जाते हैं, और अगर या फिर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप सीख सकते हैं, या आप फाइनल ईयर से पास आउट हो चुके हैं तो भी आप सीख सकते हैं। कि कहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपको एनरोल करना है, सारी चीजें मैं बता देता हूँ, पर उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में है। दूसरी बात, ये कोर्स ऑनलाइन है, तो ये आपको ऑनलाइन सिखाया जाएगा, आपको कहीं आने जाने की टेंशन नहीं लेनी, आपको घर पे बैठे सीख लेना है। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, मेल, फीमेल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, एनीबॉडी कैन लर्न। ठीक है, तो आप कहीं कहीं पे भी हैं तो आप इस चीज को सीख करके अपने इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बताता हूँ किस तरीके से आपको साइन अप करना है, क्या क्या करना है। आगे देखिए, सबसे पहले आप ना यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे TCS, TCS के ही है ये डिजिटल लर्निंग हब। डिजिटल लर्निंग हब पे आएंगे आप, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा, लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये TCS टाटा का ही है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे पहुंचेंगे कैरियर एज यंग प्रोफेशनल। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, देखिए ये जो कोर्स है ना वो 2 वीक का रहेगा। ठीक है, और आपको कमिटमेंट कितना, 7 से 10 घंटे चाहिए 1 वीक के अंदर में। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी, कोर्स का फॉर्मेट ऑनलाइन रहेगा, आप खुद अपने पेस के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी पढ़ना चाहता है जल्दी जल्दी कर सकता है, कोई धीरे पढ़ना चाहता है तो धीरे धीरे कर सकता है। ठीक है, और अगर ये किसके लिए बेनिफिट रहेगा, देख लीजिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इन तीनों के लिए बेनिफिशियल है। साथ के साथ अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी कंपलसरी चीजें नहीं कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, एनीबडी कैन अप्लाई। ठीक है, और देखिए आपको करना क्या है, आप आगे आते हैं जरा, व्हाट यू बी लर्न, आप क्या क्या सीखेंगे वहां से। सबसे पहले आप सीखेंगे अपना बिहेवियर स्किल्स, आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर अलग होता है, घर में थोड़ी बात हुई आप रूठ गए, वो बातें अलग हैं, तो आपको सीखना होगा। और अगला है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपको खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एक प्रेजेंट करने की स्किल्स होती है, एक कम्युनिकेशंस करने की स्किल्स होती है, ये आपको फ्री में सिखा रहे हैं, तो प्रेजेंट करने का और कम्युनिकेशन करने का। साथ के साथ आप इस तरीके से कम्युनिकेट कीजिए, इस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए कि लोगों पे इम्पैक्ट पड़े, वो चीजें हैं यहाँ पे। अगला है क्रिएटिव इफेक्टिव रिज्यूमे, अगर डेफिनेटली अगर आप चीजें सीखेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होगा, ये बात है यहाँ पे। अगला है बिजनेस एटिकेट्स, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के क्या एटिकेट्स होंगे, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे आपको ये चीजें बहुत मदद करने वाली है, किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंडामेंटल पता होना चाहिए, साथ के साथ IT का भी, विदाउट IT देयर इज नो लाइफ। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये भी आपको सिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये वो चीजें हैं जो बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी है एक फ्रेशर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए,
और या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको ये छह चीजें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी जो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है आपके सीवी में, ठीक है। तो आपको कैसे करना है कुछ नहीं, अब देखिए यहाँ पे ये मॉड्यूल्स दे रखा है कि आप पहले दिन क्या सीखेंगे, दूसरे दिन क्या सीखेंगे, तीसरे दिन क्या सीखेंगे, चौथे दिन क्या सीखेंगे, इस तरीके से आपको ये फ्री में सारी चीजें दी गई है। और लास्ट में ये आपको क्या दे देंगे, एक सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि आपने यहाँ से ये चीजें सीखी है। तो आपको करना क्या है, आगे यहाँ पे चलते हैं, देखिए सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ इन बच्चों को, आप देख सकते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपको सर्टिफिकेट इस तरीके से दे दिया जाएगा, देख लीजिए ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उस पर आपको मिल जाएगा जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इसमें कैसे करना है मैंने ये बता दिया, और आपको इसको कैसे करना, आप यहाँ पे जाएंगे सब्सक्राइब आपको करना होगा, जैसे आप जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे आ जाएगा लॉग इन विथ पासवर्ड। आप अगर पहली बार होंगे तो आपको लॉग इन विथ पासवर्ड है और ये लॉग इन विथ ओटीपी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट अकाउंट पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए आप फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट अकाउंट पे आएंगे, फिर आपको अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा, आप अपना अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद उससे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। फुल नेम पासवर्ड आपको डालना होगा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टेट, अपना फोन नंबर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी एंड कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ठीक है। तो आप लर्नर ही हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट अकाउंट करके इस चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो बस यही है, तो ये बहुत अच्छा है, आप एक बार जाइए और यहाँ पे चीजों को सीखिए और अपने आप में ये स्किल्स को लेके आइए। ये स्किल्स आज के टाइम पे अगर आप सीख लेंगे तो आपको बहुत आगे काम में आने वाली है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।